खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन, खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन। CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग। उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम सड़क। ये तूफान ना जाने क्या कहर ढाने वाला है। माँ माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, पिताजी भी घर पर नहीं है। बेटा तेरे पिताजी सरकारी दौरे पर गए हैं ना, पर तू डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे पास। अच्छा ठहर, मैं रेडियो चला देती हूँ, उससे तेरा मन भी बहल जाएगा। लेकिन और अब समाचार विस्तार से। तीसरे दिन लगातार बारिश और भीषण तूफान के कारण दिल्ली से शिमला जाने वाली सड़क का जमीन खिसकने से शेष भारत से संपर्क टूट गया है। हाय राम, तेरे पिताजी शिमला ही तो गए हैं। अब तूफान थमेगा तभी सड़क बन पाएगी और तभी वो लौट पाएंगे। अच्छा छोड़ रेडियो को, चल तू लेट जा, मैं तुझे सुला देती हूँ। लेट जा बेटे। माँ, पहाड़ों पर सड़क बनाना बहुत मुश्किल होता है ना? हाँ, लेकिन सेना के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हो या कठिन रास्ते, उन पर सड़क बनाने के लिए सेना सचमुच किसी युद्ध की तरह काम करती है। अच्छा तू चिंता मत कर, रात बहुत हो चुकी है, चल तू सो जा। अच्छा माँ। शामू, ओ शामू, शामू। कौन है, किसकी आवाज है ये? ये मैं हूँ। मैं कौन? मैं यानी सड़क। सड़क? तो क्या सड़क बोल भी सकती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, बोल भी सकती है और सुन भी सकती है। लेकिन कहीं आ जा नहीं सकती तुम्हारी तरह। लेकिन बोलते तो हम ऐसे ही हैं कि ये सड़क दिल्ली से मुंबई जाती है, कलकत्ता जाती है, चेन्नई भी जाती है। अरे बुद्धू, वो तो मेरे ऊपर से गुजरने वाले वाहन इन महानगरों में आते जाते हैं। मैं तो जहाँ हूँ वही रहती हूँ। हाँ। ये तो ठीक है। अच्छा सड़क रानी, इन भारी वाहनों के आने जाने से क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? अरे नहीं शामू, भला पीड़ा कैसी, मेरा तो निर्माण ही मानव सेवा के लिए हुआ है। भला सोचो, पेड़ों पर लगने वाले फल जब तुम तोड़कर खाते हो तो क्या पेड़ को पीड़ा होती है, दुख होता है? नहीं ना। बल्कि इससे तो पेड़ को सुख मिलता है कि उसके फल खाकर किसी भूखे की भूख मिट गई। अच्छा तो सड़क रानी, अब ये बताओ कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? मेरा जन्म दरअसल मेरा जन्म मानव सभ्यता के साथ ही हुआ है। अच्छा, जब एक ही रास्ते से कुछ लोग खेतीबाड़ी व्यापार आदि के लिए आने जाने लगे तो उस रास्ते की जमीन की घास वगैरह सूखने या खत्म होने लगी। धीरे धीरे उस स्थान पर मिट्टी निकल आई और इस तरह
मैं दुनिया के सामने आई एक पगडंडी के रूप में। बस यही मेरा प्रारंभिक रूप है। अरे वाह, बहुत मजा आ गया तुम्हारी कहानी सुनकर। आप आगे बताओ। अरे बताती हूँ पूरी कहानी बताती हूँ। हाँ तो शामू, इस तरह इंसान ने अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरे पगडंडी वाले रूप को और सजाया सवारा, पक्का बनवाया और धीरे धीरे मेरे वर्तमान रूप तक पहुंचाया। और आज तुम्हारे कारण ही हम स्कूल भी झट से पहुंच जाते हैं। हाँ, खूब पढ़ने लिखने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए। हाँ, मैंने स्कूल में पढ़ा है। क्या? कि सम्राट अशोक ने पूरे देश में ना सिर्फ सुंदर सुंदर सड़कों का निर्माण करवाया बल्कि उसके दोनों तरफ घने छायादार पेड़ भी लगवाए। अच्छा? हाँ, ताकि यात्रियों को तेज धूप से बचाया जा सके। और शेरशाह सूरी को तो तुम भूल ही गए, जिन्होंने मेरा एक विशाल रूप बनवाया। हाँ, शेरशाह सूरी मार्ग जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। बिल्कुल ठीक। ये अमृतसर से कलकत्ता तक फैली हुई है। हाँ शामू, दरअसल मनुष्य का ये स्वभाव रहा है कि वो अपनी जरूरत की चीजों का निर्माण करता है और उसमें सुधार करता रहता है। सोचो, अगर उसका ये स्वभाव ना होता तो सड़क कैसे बनती और मनुष्य विकास की इन ऊंचाइयों को कैसे छू पाता। कहती तो तुम ठीक हो। अरे शामू, वो देखो, सेना का वाहन। हाँ, क्या ये शिमला वाली सड़क बनाने जा रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अभी जो तूफान आया था उसी से शिमला की जमीन खिसक गई और सड़क टूट गई। हाँ, पर ये सब तुम्हें बताया किसने? मैंने रेडियो पर सुना है, समाचारों में बताया था कि जमीन खिसकने से शिमला का संपर्क देश के अन्य भागों से टूट गया है। अब सेना जल्दी सड़क बनवाएगी तो मेरे पिताजी जल्दी घर आ जाएंगे। तो क्या तुम्हारे पिताजी शिमला गए हैं? हाँ, वो सरकारी दौरे पर गए हैं, पता नहीं कब वापस आएंगे, सड़क भी तो टूटी हुई है ना। ओहो शामू, तुम घबराओ मत, तुम्हारे पिताजी जल्दी ही वापस आ जाएंगे। हाँ, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। सच? अच्छा सड़क रानी, ये बताओ, बारिश में भीगना तुम्हें कैसा लगता है? सड़क रानी बोलो ना, सड़क रानी, सड़क रानी बोलो ना, सड़क रानी। शामू, ओ शामू, उठ बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? सड़क रानी बोलो ना, बारिश, सड़क रानी बोलो ना। सड़क, सड़क रानी, बारिश, अरे बुद्धू, सड़क भी कहीं बोलती है? अब बारिश वारिश कुछ नहीं हो रही, अब उठ बेटा, देख सूरज कितना निकल आया है, उठ। ये सड़क सड़क क्या लगा रखी है, कहीं तू सपना तो नहीं देख रहा था बेटे? माँ, हाँ? अभी अभी मैं सड़क से ही तो बातें कर रहा था। माँ। हाँ बेटे। पिताजी आ गए क्या? हाँ, अभी अभी पहुँचे हैं, उधर सो रहे हैं। सच? हाँ। देखा माँ, सेना ने सड़क की कितनी जल्दी मरम्मत कर दी। मैंने खुद देखा था एक सेना का ट्रक जाते हुए। उसी सपने में जिसमें तू सड़क से बातें कर रहा था? हाँ, शायद। सड़क, अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख हरदीप सिंह, कलाकार सुनीति कोहली, गीता वर्मा तथा अनन्या, ध्वनि अंकन सतीश लाडे,
तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।